हे गाइस जय हिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सो so, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक ये ई बुक परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप देख सकते हैं जाके और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स जो कि जीके का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके साथ में आपका मेंटल एप्टीट्यूड कॉमर्शियल मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये सब पोर्शन और इसके साथ ही साथ आपका रीजनिंग जिसमें यहाँ पे आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी बुक में साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की भी टॉप नॉच 250 प्लस क्वेश्चंस की हर एक सेशंस uh, को हर एक फील्ड को हमने कवर करते हुए इसमें आपको सब चीज़ें दे रखी हैं तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को देख सकते हो बाकी यूट्यूब पर भी प्ले अवेलेबल ही है लेकिन इस बुक e में आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हमने कुछ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया है तो वो आपको देखने को मिलेगा इसके साथ ही साथ आपको दो मास्टर वीडियो मिलेंगी एक मास्टर वीडियो दो घंटे की है दैट मीन्स टू मास्टर वीडियो फोर आवर्स की आपको वीडियो मिलेगी जिसमें आपको एक वीडियो मिलेगी जो मेंटल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशंस आपको एक्सप्लैनेशन के साथ और विद प्रॉपर बेस्ट अप्रोच के साथ आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ ही जो सेकेंड वाली वीडियो होगी उसमें आपको रीजनिंग के हर एक टाइप का सॉल्यूशन और कैसे सॉल्व करना है क्या अप्रोच रखनी है कैसे सोचना है वो सब अप्रोच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप डेफिनेटली इस चीज़ को देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन है द समर एंड विंटर सीजंस इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय तो आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं तो अगर हम क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देखें तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर एक पॉइंट है क्या है तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम द प्लैनेट दैट हैज मून कॉल्ड गाइनामाइड ये गाइनामीड तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके मून को हम गाइना मीट बोलते हैं ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं अर्थ जुपिटर वीनस या फिर मार्स तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुपिटर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हु डिस्कवर्ड यूरानस ऑप्शंस अगेन आपकी स्क्रीन पर हैं विलियम हर्सेल न्यूटन हेनरी या फिर कॉपरनिकस हु डिस्कवर्ड यूरानस इसका सही आंसर होगा आपका विलियम हर्शल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन जिसे हम कह सकते हैं कि अर्थ की जुड़वा कहा जाता है या अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है किस को किस प्लानट को ऑप्शन आपके सामने हैं मार्स जुपिटर प्लूटो या फिर वीनस तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वीनस को नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछ रहा है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वो साइंटिस्ट जिसने पता लगाया था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर कौन है न्यूटन कॉपरनिकस डेल्टन या फिर आइंस्टीन तो करेक्ट आंसर देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो आपका बनेगा वो बनेगा कॉपरनिकस ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों और आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन आपको दिख रहा हो हमारा हमारा हार्ड वर्क दिख रहा हो तो डेफिनेटली आप हमें अप जो वीडियो है जो क्लास है उसको लाइक करके मोटिवेशन जरूर दें और क्लास खत्म होने के बाद ये भी ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे क्लास कैसी लगी या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको क्लास चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर सेवन है द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन तो कब जो है वो शॉर्टेस्ट डे पड़ता है यही आपको यहाँ पे पूछा गया है तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी सेकेंड जून ट्वेंटी एथ सेप्टेंबर या फिर ट्वेंटी वन डिसम्बर क्वेश्चन नंबर सेवन का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ट्वेंटी वन दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे पूछा गया है याद रखिएगा और लॉन्गेस्ट डे ट्वेंटी वन जून को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैज मास मरकरी जुपिटर मार्स या फिर नेपट्टू तो क्वेश्चन नंबर एट का अगर हम सही आंसर देखें तो आपका आंसर बनेगा मरकरी ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन नंबर एट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास ये तो हम कर चुके हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी तो एंड्रोमीडा मिल्की वे ट्राइंगुलम या फिर बॉडीज जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी देन यू आर राइट मिल्की वे जो है वो हमारी गैलेक्सी है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट टेक्स लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस सबसे कम समय कौन लेता है अपने एक्सिस पर घूमने में तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है जुपिटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन सोलर एक्लिप्स ऑकर्स वेन सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून या फिर ऑल तो क्वेश्चन नंबर इलेवन का अगर हम सही आंसर देखें सोलर एक्लिप्स अकर्स वेन मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑन एन एवरेज एयर कंटीन डैश परसेंट ऑफ वाटर वेपर फोर फाइव सेवन या फिर थ्री तो अगर हम यहां पे करेक्ट आंसर देखें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन एन एवरेज एयर कंटेन्स थ्री परसेंट ऑफ वाटर वेपर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी वेरिएशन इन द कंपोजिशन, या फिर ऑल स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं चमकते हैं आपको लगता है कि वो चमक रहा है तो किस तरीके से क्या वजह है उसकी क्या रीज़न है तो रीज़न है एटमोसफेयर एक रिफ्रैक्शन होता है स्टार लाइट का ठीक है ऐसा जो हमारे कई सारे गैसियस मटेरियल्स हैं हमारे यहाँ पर हमारे एटमोसफेयर में तो वो गैस के कारण ही वो रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो चमक रहा है बट एक्चुअली में इट्स बिकॉज ऑफ एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स किसने यहाँ पे यूनिवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कौन सी थ्योरी ने बिग बैंग थ्योरी बाइनरी थ्योरी पेनेस्टेली पेनेस्टियल थ्योरी या फिर नन तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा याद रखना है क्या करती है बिग बैंग थ्योरी ये थ्योरी ऑफ यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट देती है कि यूनिवर्स कैसे बना एक होल था एक स्टार था वो पार्टिकल में बना फिर वो ब्लैक स्टार में ब्लैक होल में कन्वर्ट हुआ ये सब चीज़ें ठीक है बिग बैंग थ्योरी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन ऑन तो कब जो है अर्थ के नियरेस्ट होता है सन अर्थ जो है वो नियरेस्ट होती है सन के तो आंसर आपने देख ही लिया है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थर्ड ऑफ जनवरी को यहाँ पे अर्थ जो होती है वो सन के नियरेस्ट होती है पास में होती है थर्ड ऑफ जनवरी को नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लानट डू नॉट हैव अ सेटेलाइट यहाँ पे किस प्लानट के पास सेटेलाइट है ही नहीं जुपिटर मार्स वीनस या फिर मरकरी तो ये राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज ऑप्शन नंबर डी मर्करी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपसे पूछ रहा है हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम तो हॉटेस्ट प्लानट कौन सा है सोलर सिस्टम में ऑप्शन अगेन आपकी स्क्रीन पर है वीनस मार्स प्लूटो या फिर ऑल तो हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम की बात करें ऑप्शन ए वीनस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर एटीन ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन्स इन द नाइट स्काई उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स बोथ ए एंड बी या फिर नन तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज ओके मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लूसीफर इज़ द एनदर नेम ऑफ विच प्लानट तो प्लानट के नाम आपके सामने हैंज ऑप्शन आपको बताना है इसमें से किस प्लानट को हम लूसीफर भी बोलते हैं जुपिटर क्या वो वीनस है क्या वो सैटर्न है या फिर सभी को लूसीफर किसे बोलते हैं याद रखना है ऑप्शन बी वीनस को हम लूसीफर भी बोलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपसे पूछ रहा है कि वट इज़ द अदर नेम ऑफ ओरियन तो ओरियन आप सब ने सुना ही होगा ठीक है नहीं सुना है तो आप एक बार सर्च करिएगा आपके सामने एक इमेज आ जाएगी और कभी भी आप नॉर्मल डेज में जब आपकी जो ये बादल साफ़ रहे स्काई क्लियर रहे तब आप देखिएगा नाइट में आपको दिखाई दे जाएगा वो ओरियन ठीक है क्या है अदर नेम ऑफ ओरियन तो वो एक हंटर का शेप लिया हुआ एक आपको लगेगा कि जैसे कोई हंटर का शेप uh, मतलब एक आदमी है और वो ऐसे पीछे करके कोई एक औजार uh, लिए हुए है है ना वो मारने की कोशिश हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है ऐसा आपको दिखाई देगा वाकई तो यहाँ पे हम हंटर बोलते हैं ओरियन को ठीक है याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इन सेल्सियस तो ट्रोपोस्फेयर का जो हमारी लेयर है सबसे बेसिक लेयर फर्स्ट लेयर तो इसमें जो है आपका सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है ये आपको बताना है क्या 90 डिग्री सेल्सियस 9.0 डिग्री सेल्सियस 0.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में हम बता रहे हैं ये ध्यान रखना है 6.4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ब्लैक होल इज़ अ तो ब्लैक होल क्या है एक कोलैप्स स्टार है अ प्लेस इन द आर्टिकोशन अ स्क्वायर गार्डन है या फिर अ बॉल है क्या है ब्लैक होल बहुत ही हमने यहाँ पर ईजी ऑप्शन दिए हैं सी और डी तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो कि ए और बी में आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो बट याद रखना है कोलैप्स स्टार यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टाइड इन सी इज ड्यू टू जो समुद्र में टाइड्स आ जाती हैं उसका रीज़न क्या है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ atmospheric प्रेशर बिकॉज ऑफ ओवर रीच ऑफ वॉटर या फिर एक्लिप्स तो सही रीजन अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ की वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है मून का अर्थ पर उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है टाइट्स आ जाती हैं समुद्र में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की बात करें सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज ऑप्शन आपके सामने हैं सेवन मंक सेवन स्टार सेवन बियर्स या फिर बिग डिपर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का अगर हम देखें जो सप्तऋषि है वो वेस्टर्नर्स को किस नाम से ऐसे जानते थे बिग डिपर के नाम से भी जानते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ गैस इन एग्जॉस्फेयर तो कौन कौन सी गैसेस मिल के एग्जॉस्फेयर बनाती हैं कि कौन कौन सी गैसेस एग्जॉस्फेयर में अवेलेबल हैं भारी मात्रा में क्या वो हीलियम और हाइड्रोजन है क्या वो सल्फर और नाइट्रोजन है क्या वो बोरॉन और क्रिप्टॉन है क्या वो हीलियम या नियॉन है तो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज ऑप्शन नंबर ए हीलियम एंड हाइड्रोजन ओके सो तो गाइस कैसा सेशन लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना लाइक करके हमारी क्लास को मोटिवेशन हमको ज़रूर दीजिए और ई बुक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सब चीज़ बताई दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप डेफिनेटली उसको देखिए ज़रूर आपको एक अच्छा आउटपुट अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा बाकी यहाँ पर कंप्यूटर की भी आपको ई e बुक मिल रही है तो कंप्यूटर का भी जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा जो कि यहाँ पर जी के के सेक्शंस में भी पूछा जा सकता है तो ऑल ओवर बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे आप खुद से भी इसको पे कर सकते हो और बस एक दिन का आपको पिज़्ज़ा क्या मतलब एक दिन एक दिन का आपको जो मोमो का प्लेट है वो छोड़ना होगा दैट्स इट ओके okay, सो so इतना तो त्याग आप कर ही सकते हो एंड आई एम वेरी श्योर इतना तो पॉकेट में सबके होता ही है आपके भी होगा आपने सेव करके रखा होगा तो इन्वेस्ट करिए अपनी पढ़ाई में डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ का फल देखने को जरूर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे आप इसको अवेल कर सकते हो अपने आप के लिए और फ़ैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बिल बटन ज़रूर दबा दें इसको शेयर कर दें और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारी क्लास को सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हमें एक और रास्ता मिलता है कि हम आपको उस चीज़ के लिए अच्छे से पढ़ाएं और और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करें सो so इसी उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पे आज की क्लास को फिलहाल रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए और प्रिपरेशन अपनी जो है पूरी जान लगा दीजिए अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से प्रिपेयर करिए डेफिनेटली आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा जय हिंद जय भारत